सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है कैसे हो आप सभी लोग आई होप कि अच्छे होंगे और उम्मीद करता हूं कि घर पर लॉकडाउन में पढ़ाई भी कर रहे होंगे आप सभी लोग बच्चों जैसे कि आप जानते हो कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है टाइम एंड वर्क का उसमें हम अपने तीन टाइप कर चुके हैं आज हमारा फोर्थ टाइप है और उम्मीद करता हूँ कि तीन टाइप आपने उनके नोट्स बना लिए होंगे अगर नोट्स नहीं बनाए उनके तो आप अगली वीडियो देखने से पहले पहले उन तीन वीडियो के जो मैंने बनाई हैं उनके आप पहले नोट्स बनाइए वहाँ से उठा के तभी आगे समझ में आएगा क्योंकि बेसिक से ही अगर आप सभी क्वेश्चन करते हुए चलोगे तभी आपका क्लियर होगा वरना ऐसे क्लियर नहीं होगा बच्चों आप जानते हो कि अभी लॉकडाउन चल रहा है समय ऐसा चल रहा है कि सबको ऐसा लग रहा है कि इस लॉकडाउन में कोई वैकेंसी नहीं आएगी और अब तो पता ही कब कभ की कब से कब वैकेंसी आएगी तो बच्चों ऐसा कुछ नहीं है देखो बुरे वक्त के बाद एक अच्छा वक्त भी आता है अभी हम सब जानते हैं कि इस टाइम बुरा वक्त तो चल ही रहा है पूरा विश्व इस कोरोना को झेल रहा है लेकिन आप चिंता मत करो आप घर पर रह कर पढ़ाई करिए आपको पढ़ने वाले बच्चों को तो ये एक सुनहरा मौका मिला हुआ है कि सेल्फ स्टडी का अपने घर पे बैठ के अच्छी तैयारी करने का तो आप इन चीज़ों से बाहर निकलिए और अपने माइंड में इधर उधर की बातें मत रखिए घर पर सेफ रहिए सुरक्षित रहिए और घर पर रहकर पढ़ाई करिए बस क्या है आपको वो जो चीज़ आप ट्यूशन में जाके किया करते थे कोचिंग सेंटर पे जाके कर किया करते थे वही चीज़ आपको अब अपने घर पे मिल रही है तो आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप घर पर रहकर अपने नोट्स बनाएं तैयारी अच्छे से करें ताकि कोई भी वैकेंसी आए आप उसको एक ही उसमें अपना क्लियर कर लो ठीक है बच्चों तो आइए चलते हैं हम अपना उसी टॉपिक पर चलते हैं टाइम एंड ऑफ के पर चलते हैं जो हमारा टॉपिक चल रहा है टाइम एंड ऑफ का आर्ज हमारा फोर्थ टाइप है तो चलते हैं कॉपी पेन लेके मेरे साथ बैठिए और बैठने से पहले हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुँच सके और एक बार मुझे कमेंट करके और आप ये भी जरूर बताएगा कि मेरी साउंड आप तक कैसे पहुंच रही है कैसी आ रही है अगर कोई उसमें प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट में जरूर लिख के बताए तो चले बच्चे शुरुआत करते हैं आइए देखिए बच्चों, आज हमारा जो टाइप है वो टाइप है हमारा टाइप फोर टाइम एंड वर्क का देखिये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्या कह रहा है ए पर्टिकुलर जॉब कैन बी कम्पलीटेड बाई ए टीम ऑफ टेन मैन इन डेज द सेम जॉब कैन बी कम्प्लीटेड बाई ए टीम ऑफ टेन विक्स डेज हाउ मैनी डेज आर नीडिड टू कम्प्लीट द जॉब इफ द टू टीम वर्क टूगेदर देखो कह रहा है दस पुरुषों की एक टीम एक कार्य को बारह दिन में कर सकती है देखिए दस पुरुषों की एक टीम है अगर मैं टोटल काम यहाँ से निकालना भी चाहूँ तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका टोटल वर्क हो जाएगा दस गुना बारह दस गुना बारह एक सौ बीस आप टोटल काम कर रहे हो क्योंकि दस पुरुषों ने बारह दिन तक काम किया तो 12, 12 दिन तक काम किया तो आपने 120 काम कर दिया अब क्या कह रहा है उसी काम को दस महिलाएं की टीम छह दिन में कर सकती है इसका मतलब यह हुआ दस पुरुष थे दस मैन थे बारह दिन में किसी काम को कर रहे थे वो और वो आगे कह रहा है उसी काम को यानी कि सेम काम जो यह काम हुआ उसी काम को बारह दस महिलाएं छह में वो कह रहा है दस पुरुषों ने बारह दिन तक किया फिर दस महिलाएं दस वोमैन ने छह दिन तक किया ठीक है वही काम तो ये इसके बराबर हो गया जब यही काम है तो इन्होंने दोनों ने वही काम किया टेन से टेन कट गया आपका छह दुनी बारह हो गया तो यहाँ होगा टू मैन बराबर कितना वन वोमैन के क्यों बच्चों तो यहां से हम रेशो निकाल सकते हैं मैन और वुमैन का कितना मैन के सामने एक है और के सामने दो है तो वन रेसो टू हमारा नहीं टोटल काम वर्क क्या था हमारा दस पुरुषों ने जो बारह दिन तक किया था वो एक सौ बीस वर्ग था अब एक बार बताइए दस मैन थे और दस मैन एक मैन एक काम करता है दस मैन ने कितना काम कर दिया दस काम कर दिया महिलाएं कितनी थी हमारे पास दस महिलाएं थी दो दिन तक उन्होंने काम किया यानी कि सॉरी दो काम किया तो कितना काम कर दिया बीस काम कर दिया उन्होंने कर दिया तीस वर्क कितना कर दिया तीस वर्क कर दिया मेरे बच्चों ठीक है वो कह रहा है यदि दोनों टीमें एक साथ काम करती है तो कितने दिनों में काम खत्म होगा तो टाइम पूछा है टाइम कितना लगेगा यानी कि, टोटल काम को टोटल काम को जब टोटल काम को जब ये तीस हाँ, टोटल काम को किसी के एक दिन के काम से जब हम डिवाइड करते हैं तो क्या निकल के आता है दिनों की संख्या तो तीन चौक बारह तो कितना टाइम लग जाएगा चार दिन लग जाएंगे बच्चों कितना लग जाएगा चार दिन आंसर ठीक है ऑप्शन नंबर है क्या है कि टोटल वर्क हमारा 120 हुआ यहां से क्या था 10 मैन 12 दिन में कर रहे थे 10 दस वोमैन छह में कर रहे थे यहां पर हमने इफिशियंसी निकाल दी कि मैन एक काम करता है वो मैन दो काम करती है जब 10 पुरुष एक काम एक आदमी करता है 10 काम कर दिया 10 वो मैन है दो काम कर दी बीस काम, काम कर दिया तीस टोटल काम एक है टोटल काम को उनके काम से जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगा दिनों की संख्या आएगी ओके तो हमारे चार दिन में इस काम को वो फिनिश कर देंगे चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास। जॉब इन थर्टी डेज इफ देयर वर फाइव मैन मोर वर्क वुड बी कंप्लीटेड इन टेन डेज लेस हाउ मैनी मैन वर इन दिगनिंग वो कह रहा है कुछ पुरुष एक काम को तीस दिनों में खत्म कर सकते हैं यदि पांच पुरुष और आ जाए तो काम दस दिन पहले खत्म हो जाता है आरंभ में कितने पुरुष थे देखिए बच्चे जो हमारा टाइप चल रहा है ये सूत्र बेस पर चल रहा है फॉर्मूले बेस पर चल रहा है फॉर्मूला जो आप लोग जानते होंगे जिन्होंने टाइम एंड वर्क का चैप्टर पढ़ा है उसमें एक फॉर्मूला का यूज होता है एम डी एच मसाले का एम डी एच एम डी एच आपने एम डी एच मसाला खाया है जो घर में एम डी एच मसाला यूज हुआ करता था तो उसी के बेस पर एक हमारा फॉर्मूला है कौन सा फॉर्मूला है देखे ध्यान से एम डी एच क्या है एम डी एच फॉर्मूला देखिए एम वन डी वन एच वन और डब्लू वन फिर वही बात पहली बात तो हम यहां रखते हैं और वही सेम बात एम टू डी टू एच टू और डब्लू टू सर यहां पर एम वन डी वन एच वन डब्लू वन ये है क्या एम का मतलब होता है बच्चों मैन क्या मैन जो भी सवाल के अंदर काम करने वाले होंगे चाहे मैन हो चाहे वो मैन हो चाहे बच्चे हो चाहे कोई भी हो वो हम ऐसा मैन में ही इंक्लूड करके चलते हैं डी का मतलब हो गया डे क्या हो गया हावर एच ओ यू आर और डब्ल्यू का, मतलब का मतलब हो गया बच्चों वर्क ठीक है बच्चों तो एम का मतलब मैन डी का मतलब डे एच का मतलब हावर डब्ल्यू का मतलब वर्क हो गया तो ये है हमारा एमडीएच का मसाला इसे एक बार नोट कर लो एक सवाल के अंदर एक बात को दो बार बोलता है वो अगर आदमी का जिक्र कर रहा है कि पांच आदमी फिर आगे फिर कहेगा दस आदमी तो पहली वाली बात इसमें रखते हैं दूसरे वाली बात इसमें रखे है इसे नोट कर लीजिएगा स्क्रीन शोट ले लो इसका और फिर आगे चलते हैं देखिए सवाल क्या कह रहा है साफ कर रहा हूं मैं इसको देखिए सवाल क्या कह रहा है ध्यान से देखिए वो कह रहा है बच्चों वो कह रहा है कि कुछ पुरुष एक काम को तीस दिनों में कर सकते हैं कुछ पुरुष है बच्चों हमारे पास हमें नहीं पता क्या है हमने एक्स मान लिया कुछ पुरुष किसी काम को तीस दिन में कर सके किसी का मतलब एक काम जहां किसी की बात करेगा वहां हम एक काम मान के चलेंगे यदि पांच पुरुष और आ जाए बच्चों पहले हमारे पास एक्स थे एमडीएच मसाला लगा दिया मैंने एम और वो कह रहा है तीस दिन डी और डब्लू का एक काम तो एम डी एम डी एच एच इसमें है नहीं तो एच को छोड़ दो डब्ल्यू है डब्ल्यू का मतलब एक काम किसी काम को करें तो एक काम अब आगे क्या कर रहा है पांच पुरुष और जा, आ जाए तो एम टू यानी पहले हमारे पास एक्स थे और पांच और आ गए आ गए बच्चों तो एम टू हो गया तो काम दस दिन पहले खत्म हो जाता है पहले तीस दिन लग रहे थे बच्चों और दस दिन पहले खत्म हो गया तो काम कितने दिन में खत्म हो गया बीस दिन में वो ही काम जो यहां पर एक काम था तो उसी काम की बात कर रहा है चलिए सोल करिए ये हो गया हमारा थ्री एक्स और ये टू एक्स और प्लस दो पंजे दस इसको इधर ले आओ जब इसको इधर लाओगे तो आपके पास बच जाएगा एक्स एक्स बराबर दस पूछ क्या रहा है बच्चों वो कह रहा है आरंभ में कितने पुरुष थे तो हम आरंभ में आरमी तो मान के चले तो एक्स की वैल्यू कितनी आई है टेन तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि शुरू में हमारे पास दस पुरुष थे क्लियर एमडीएच मसाला लगा दिया क्लियर है ना चलिए आगे चलिए बच्चों आगे, आगे।, आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों मेरे साथ पढ़िए मेरे साथ क्वेश्चन को पढ़िए देखिए क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है ध्यान से देखिए एक ठेकेदार ने 40 दिन में सड़क बनाने का ठेका लिया और इसी कार्य के लिए उसने 25 पुरुषों को काम पर लगाया 24 दिन के पश्चात उसने पाया कि केवल एक बटे तीन भाग सड़क बन पाई तो चार दिन पहले काम खत्म करने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुष काम पर लगाने होंगे देखिए बच्चों एक ठेकेदार ने चालीस दिन में सड़क बनाने का ठेका लिया ये तो उसकी एक शरत हो गई कि भाई जब ठेकेदार होते हैं कि हम आपको 40 दिन में इस काम को करके दे देंगे तो उन्होंने एक ठेका लिया 40 दिन में एक कॉन्ट्रेक्टर वो कह रहा है अंडर टेक्स मेक ए रोड इन फोर्टी डेज एंड एम्प्लॉय ट्वेंटी अर्लियर तो बच्चों क्या कह रहा है वो देखिए वो कह रहा है चालीस दिन में सड़क बनाने ठेका लिया इस कार के लिए उसने पच्चीस परसों को काम पर लगाया तो एम वन कितना हो गया बच्चों पच्चीस पच्चीस काम पर लगाए चौबीस दिन के पश्चात इसका मतलब हुआ 24 दिन के पश्चात उसने और व्यक्ति बढ़ाए होंगे तो उसने चौबीस दिन तक तो शुरू में तो पच्चीस व्यक्तियों ने काम किया चौबीस दिन और कितना काम कर दिया बच्चों वो कह रहा है चौबीस दिन पश्चात कि केवल एक बेटे तीन सड़क बन पाई तो मेरे बच्चों डब्लू कितना आ गया एक बटे तीन सड़क बन पाई कोई भी काम हम जब फ्रैक्शन में देता है वो तो हम टोटल काम एक मान के चलते हैं तो बच्चों जब एक बटे तीन काम यहाँ हो चुका तो काम अभी कितना बचा हुआ तो बच्चों यही देख लो शॉर्टकट में या तो एक में से तीन घटा दो तीन कम तीन तीन में से एक गया दो बटे तीन रह गया या जितना काम हो चुका उनमें दोनों में डिफरेंस देख लो एक और तीन में कितना डिफरेंस है दो का दो ऊपर लिख दो और जो नीचे होता है उसे नीचे लिख दो यानी इतना काम अभी बचा हुआ है फिर आगे क्या कह रहा है तो चार दिन पहले काम खत्म करने है? कितने अतिरिक्त पुरुष काम पर लगाने होंगे कितने अतिरिक्त देखिए बच्चों पहले 25 पुरुष लगे हुए थे और अतिरिक्त का मतलब और हमने बढ़ा लिए बढ़ा दिए तो वो कह रहा है देखिए चार दिन पहले काम खत्म करना है जब चौबीस दिन तो यहां लग गए और चालीस दिन में करने का ठेका लिया था चौबीस दिन लगे अभी हमारे पास कितने दिन ना रहे सोलह दिन और सोलह दिन में वो कह रहा है चार दिन पहले काम खत्म करना है इसका मतलब बारह दिन में काम खत्म करना है क्योंकि 24 तो यहां लग गए 16 दिन बचे 16 से में भी कह रहा है कि चार दिन पहले काम खत्म करना है इसका मतलब बारह दिन काम हुआ चलिए तीन से तीन कट गया दो बारह हो गया छे चौक चौबीस हो गया और पच्चीस चौक का हो गया और यह आपका हो गया पच्चीस प्लस एक्स तो बच्चों सौ माइनस पच्चीस बराबर एक्स और ये आ गया पिछहतर एक्स तो बच्चों एक्स की वैल्यू कितनी आई है पिछहत्तर आई है और वो आपसे क्या पूछ रहा था वो पूछा था खत्म करने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुष काम पर लगाने होंगे तो हमने अतिरिक्त क्या लगा पिछह पुरुष अगर टोटल पुरुष की बात करता है तो पिछहतर में पच्चीस तो शुरू में लगे हुए थे पिछहत्तर और आ गए सौ पुरुष तो टोटल थे वो कह रहे बाद में कितने लगाए अतिरिक्त तो बच्चों हमारे पास अतिरिक्त तो जो पुरुष थे वो पुरुष थे हमारे पास पिछहत्तर ठीक है बच्चों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों एक मिनट में इसका चार्जर लगा लूँ थोड़ा सा क्योंकि हमारा जो एक कंप्यूटर लैपटॉप है थोड़ा डाउन हो गया है एक मिनट थोड़ा सा एक मिनट इंतजार करना बस थोड़ा सा एक मिनट एक मिनट बच्चों एक मिनट बस थोड़ा सा बैटरी इसकी स्लो हो गई है लो हो गई है डाउन हो चुकी है चले बच्चों चलिए बच्चों हमारा क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर हाँ चलिए देखिए फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों देखिए क्या कह रहा है देखिए कह रहा है बी के एक बेटे छह समय में ए बी की तुलना में आधा काम करता है यदि वे दोनों मिलकर दस दिनों में काम खत्म कर सकते हैं तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा देखिए ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी इन वन सिक्स ऑफ द टाइम इफ टूगेदर दे टेक टेन डेज टू कंप्लीट ए वर्क हाउ मच टाइम सेल बी टेक टू डू इट अलोन देखिए बच्चों क्या कह रहा है आधा काम करता है ए दो व्यक्ति बी के एक बटे समय में, में आधा काम करता है यानी बी एक बटे छ काम करता है तो ए कितना करता है उस टाइम आधा करता है क्लियर है चलिए तो दो एक दो, दो छे तीन को यहां ले जाओ इसकी मल्टीपल थ्री कि ए तीन काम करता है, तो है।, है? दोनों, दोनों चालीस तो वो कह रहा है बी अकेला उस काम कितने दिन, दिन में करेगा तो बच्चों एक बार बताओ मुझे बी एक दिन में कितना काम करता है एक काम करता है तो इस चालीस काम कितने दिन, दिन में कर देगा चालीस दिन में कर देगा आंसर बताइए क्लियर है क्या देखिए वो कह रहा था कि बी के एक बटे समय में, बी जितना करता है उतना ए आधा कर लेता है ए कितना कर लेता है जितना वो एक बटे छ करता है तो ए आधा कर लेता है मैंने इसको सोल्व कर दिया सोल्व करके आया थ्री रेशो वन यानी एक दिन में तीन काम करता है बी एक दिन में एक काम करता है तो उन्होंने दस दिन तक काम किया और दोनों एक दिन में चार काम कर रहे हैं देखो थ्री रेशोन का मतलब चार काम चालीस काम उन्होंने कर दिया तो टोटल काम को किसी के एक दिन के काम से जब डिवाइड करते हैं तो दिनों की संख्या निकल के आती है बताइए क्लियर है चलिए बहुत अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है देखिए चलिए वो कह रहा है एट मैन कैन डू ए वर्क इन ट्वेल्व डेज आफ्टर सिक्स डेज ऑफ वर्क फॉर मोर मैन वर इंगेज टू फिनिश द वर्क इन हाउ मैनी डेज वुड द रिमेनिंग वर्क बी कंप्लीटेड वो कह कहरा आठ पुरुष एक काम को एक सौ इक्कीस दिन में कर सकते हैं छह दिन काम के पश्चात चार पुरुष काम पर लगाए जाते हैं तो शेष काम कितने दिनों में खत्म होगा देखिए आठ पुरुष एक काम को एक सौ इक्कीस दिनों में कर सकते हैं छह दिन काम के पश्चात देखिए बच्चों छे दिन काम के पश्चात देखिए आठ पुरुष था बच्चों आठ पुरुष है हमारे पास तो जब आठ पुरुष है बच्चों हमारे पास तो आठ पुरुष एक काम को एक सौ दिन में कर सकते हैं तो आठ कम आठ आठ दूनी सोलह और आठ कम आठ एक नौ ठीक है वो कह रहा है छह दिन काम के पश्चात चार पुरुष और आ गए मेरे बच्चों एक बात बताओ आठ पुरुष शुरू में लगे हुए थे छह दिन के पश्चात चार आए इसका मतलब आठ पुरुषों ने कितने दिन तक काम क्या हुआ भाई छह दिन तक तो काम क्या होगा तो आठ से अड़तालीस काम तो कर दिया इन्होंने तो काम अभी हमारे पास कितना बचा है नौ सौ बीस और बचा हुआ है बच्चों कह चार पुरुष और आ गए काम पर तो पहले आठ पुरुष लगे हुए थे चार और आ गए तो बच्चों कितने हो गए आपके पास तो बारह हो गए तो कितना हो जाए बार सत चौरासी चौरासी और कितना हो गया तो शेष काम कितने दिनों में खत्म होगा ऐसे नहीं होगा बच्चों एक ये दो तो दूसरे टाइप से होगा ऐसे नहीं कर पाएंगे देखिए दोबारा देखिए देखिए कह है आठ पुरुष एक काम को एक सौ इक्कीस दिन में कर सकते हैं छह दिन काम के पश्चात चार पुरुष और आ गए ठीक है तो तो शेष काम कितने दिनों में खत्म होगा रुकिए इसे अभी रोक के चलते हैं मुझे इसमें कुछ दिक्कत लग रही है बच्चों इसे मैं अभी बताऊंगा पहले आप आगे आइए पहले आप ये सवाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसे मैं अभी निशान लगा लेता हूँ पहले मैं इसको चेक करूंगा पहले मैं इसको चेक करूंगा ठीक है मुझे लग रहा है कि कहीं इसमें दिन में कहीं दिक्कत हो गई है हाँ देखिए बच्चों वो हो गई वही सेम है वो 121 सौ इक्कीस इंग्लिश में देखिए इंग्लिश वाला क्वेश्चन इंग्लिश में देखिए वो कह रहा है एट मैन कैन डू ए वर्क इन ट्वेल्व डेज है एक सौ इक्कीस ने आया बच्चों वो हिंदी में थोड़ी गलती हो रखी है मिस्टेक तभी उसका आंसर हमारा सही निकल के नहीं आया वो देखिए क्या कह रहा है एट मैन कैन डू ए वर्क इन ट्वेल्व डेज है वो एक सौ इक्कीस दिन नया बच्चों वहां मिस्टेक है आप उसको ट्वेल्व डेज कर लो अब आ जाएगा सही देखो आठ मैन थे और उन्होंने बारह दिन तक काम किया तो बारह अट्ठे छियान बच्चों बच्चो में काम कर दिया ठीक है वो कह रहा था छह दिन के पश्चात इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि आठ पुरुष शुरू में लगे हुए थे छह दिन के पश्चात चार आए इसका मतलब आठ पुरुषों ने आठ पुरुषों ने छह दिन तक तो काम किया ही होगा तो कितना काम कर दिया अड़तालीस काम कर दिया बच्चों तो कितना बच गया हमारे पास फोर्टी एट ही बच गया बच गया नहीं बच गया वो कह रहा था चार ओवर आ गए तो शुरू में आठ लगे हुए थे चार ओवर आ गए तो जब चार ओवर आ गए तो बारह हो गए तो बारह चौक अड़तालीस

काम करने के पश्चात चार पुरुष काम पर और आ गए बच्चों मुझे एक बात बताओ छे दिन के बाद ही तो आए थे दिन के बाद ही तो चार पुरुष आए थे भाई छह दिन तक तो वही आदमी लग रहे होंगे ना जो शुरू में लगे हुए थे आठ पुरुष तो मैंने देखा छह दिन में इन आठ पुरुषों ने कितना काम कर दिया अड़तालीस टोटल काम था छान में और छह दिन तक अड़तालीस काम हो चुका तो छान में मैंने अड़तालीस घटा दे तो अभी अड़तालीस काम मुझे और करवाना है अब चार पुरुष होगा शुरू में लगे हुए थे हमारे आठ चार और हो गए बारह हो गए तो ये अड़तालीस काम को कितने दिन में कर देंगे वो दिन दिन में तो चोर, चार दिन में तो खत्म कर देंगे बताइए क्लियर है चलिए बहुत अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों तुम्हें एक बात बता दू जब भी कोई दीवार बनानी हो दीवार बनानी हो कोई मकान बनाना हो तो उसके अंदर जो हमारी लेंथ ब्रेथ हाइट रहेगी वो हम डब्ल्यू में रख के चलेंगे एमडीएच वाले मसाले में कहा डब्ल्यू में मान के चलेंगे देखिए बहत्तर पुरुष हैं 280 मीटर लंबी दीवार 21 दिनों में बनाते हैं तो 18 दिनों में 100 मीटर लंबी दीवार बनाने के कितने पुरुषों की जरूरत होगी यानी इफ 72 मैन कैन बिल्ड ए वॉल ऑफ 280 मीटर लेंथ इन 21 डेज हाउ मैनी मैन कुड टेक 18 डेज टू बिल्ड ए सिमिलर टाइप ऑफ वॉल ऑफ लेंथ 100 मीटर देखिए वो क्या कह रहा है 72 पुरुष हैं 72 पुरुष है बच्चों और कितनी मीटर लंबी दो सौ अस्सी तो डब्लू की जगह आ जाएगा दो सौ अस्सी मीटर लंबी दीवार को कितने दिनों में इक्कीस दिनों में बनाते हैं ठीक है डे आ गया तो अट्ठारह दिनों में तो बच्चों यहां है अठारह दिनों में दिनों में कितनी लंबी दीवार बनवा रहा है सौ मीटर लंबी दीवार और वो कह रहा है बनवाने के लिए कितने पुरुषों की जरूरत होगी मैंने कहा भाई एक्सो पुरुषों की जरूरत होगी एक्स की ठीक है चलिए आप इसे ये ले लो यहां से तो हमारा ये कट गया तो अब इसे काट लो आप नौ से काट लो नौ से नौ 18 अठारह नौ बहत्तर ठीक है बच्चों और सात सौ अट्ठाईस और सात या इक्कीस ठीक है और चार दूनी आठ और दो से तुम्हारा दो कट गया ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो दस ताबर तीस तो, तो बच्चों कितना आया आपका तीस तो कितने पुरुषों की जरूरत होगी तीस पुरुषों की जरूरत होगी आंसर ठीक है सोल्व कर लोगे सोल्व करके देखना अपने हाथ से काटना सवाल को ठीक है जब तक अपने हाथ से सवाल को नहीं काटोगे गुणा भाग अपने हाथ से नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा मेरे यहां काटने से कुछ नहीं होगा जब तक आप अपने हाथ से नहीं करोगे अपने आप अप सवालों करके नहीं देखोगे तो बच्चों कोशिश क्या करो कैलकुलेशन को ज्यादा से ज्यादा अपने हाथ से करने की ठीक है यहाँ तीन बच गया सब कट गया नीचे यहाँ टेंथ है यहाँ एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी एक्स की इधर टेंथ की इधर तो तीस आ गया ना चलिए बहुत अच्छे अगर क्लास पसंद आ रही है तो बच्चों कमेंट करके बताओ जरूर कि सर अच्छा लग, रहा है। क्लास अच्छी लग रही है 639 5 काम खत्म करेंगे देखिए बच्चों मसाला लगा दो एम डी एच लगा दो बच्चों वो क्या छह सौ उनतालीस व्यक्ति हैं छह सौ उनतालीस व्यक्ति हैं और कितने पांच घंटे प्रतिदिन काम करके बारह दिन लेते हैं और क्या कर रहे हैं एक सड़क की मरम्मत करते हैं एक सड़क की क्लियर है फिर क्या तीस व्यक्ति छह घंटे तो बच्चों अब तीस व्यक्ति हैं और छह घंटे काम कर रहे हैं छे घंटे पर दिन काम करें कितने दिनों में काम खत्म करेंगे काम वही है और डी पूछा कितने दिनों में खत्म करेंगे ठीक है बच्चों तो देखिए पांच छीस हो गया छह दुनी बारह हो गया दो तिया छ हो गया तीन से इसे काट दो तीन दुनी छ तीन तिया नो तो डी बराबर आ गया बच्चों दो दिन क्लियर दो

बारह व्यक्ति किसी काम को चार दिनों में कर सकते हैं ठीक है किसी काम को यानी काम एक था फिर कह रहा है आठ गुना पहले एक काम था अब इधर की साइड में टू में टू में आठ गुना आधे समय में आधे का पहले चार दिन लग रहे हैं अब दो दिन कह रहा है दो दिन में कितने व्यक्ति पूरा करेंगे हमने कहा कि एक्स व्यक्ति पूरा करेंगे क्लियर है बच्चों तो दो दुनी चार क्लियर है तो हमारा कितना आ गया आठ की और इसकी गुना कर दो आप आठ दूनी सोलह सोलह दूनी बत्तीस और आठ दिन सोलह सोलह दिन बत्तीस तो सोलह एकम सोलह तीन कितने है? उन्नीस, तो एक सो में, इतने तो व्यक्ति क्या हो जाएंगे इस काम को पूरा कर देंगे कितने व्यक्ति पूरा करेंगे एक सौ बानवे व्यक्ति सोल्व कर दो सवाल को एमडीएच मसाला लगा दिया और कुछ नहीं है इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए समझ में आ रहा है बच्चों चलिए बहुत अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा स्क्रीन पर क्वेश्चन है आपके बहुत अच्छा क्वेश्चन है बहुत अच्छा एग्जाम में आया हुआ है कई बार अगर क्लास पसंद आ रही है तो कमेंट करके बताएं कि सर मजा आ रहा है बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में अगर मजा आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा क्लास को चले बच्चो चलिए वो हाउ मैट्स वुड बी वोवेन बाई एट बैट विस इन एट डेज चार चटाई चार बुनकर चार दिनों में चार चटाई बुनते हैं देखिए चार चटाई चार बुनकर चार बुन चटाई चार बुनकर चार दिनों में चार चटाई बुनकर है भाई वो चार चटाई बुनकर देखिए चार चटाई बुनकर मतलब चार चटाई बनाने वाले चार दिनों में और चार चटाई बुनते हैं तो W क्या है हमारा चार फिर क्या रहा है तो इसी गति से आठ बुनकर आठ बुनकर आठ दिनों में वो कह रहा है कितनी चटाई बनाएंगे हमने कहा एक्स कुछ भी मान लो एक्स की जगह आप कुछ भी मान सकते हो जिस काम को करवाते हैं आप उसको कुछ भी मान लो कितने में करेंगे तो चार धुनी आठ चार से कट गया तो चारोज मल्टीप्लाई कर दो बच्चों तो सोलह तो कितना आया कितने कितनी सोलह चटाई बुनेंगे आंसर क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एमडीएच मसाला चल रहा है भाई आज जो टाइप चल रहा है एमडीएच का चल रहा है क्लियर है ना चलिए टाइप नंबर अब हमारा आ चुका है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए टाइप नंबर फाइव आ चुका बच्चों अब हमारे पास टाइप नंबर फाइव देखिए जो अभी मैंने आपको टाइप नंबर पढ़ाया बच्चों टाइप नंबर में हमारा क्या था उसमें MDH मसाला था अब जो हमारा टाइप नंबर चला चला है ये चला है ये पुरुष वुमेन और बच्चे जिसमें हमें एक में चेंज करके चलना होता है ये थोड़ा सा टाइम एंड वर्क के अंदर थोड़ा सा बस थोड़ा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को तो डिफिकल्ट है कुछ नहीं बहुत आसान है आसानी से आप यहां समझ सकते हो देखिए कैसे होंगे सवाल बहुत ध्यान से समझना है बहुत आसान क्वेश्चन ही ये ज्यादा हार्ड कुछ नहीं है इनके अंदर बस आपको याद रखना है कि जो ये सवाल होते हैं जिसमें पुरुष होती हैं है, वुमेन होते हैं बॉय होते हैं तो किसी एक चीज में चेंज करके चलते हैं ठीक है चलिए देखिए देखिए बच्चों वो कह रहा है यदि छह पुरुष और आठ लड़के एक काम को एक काम को दस दिनों में खत्म करते हैं और छब्बीस पुरुष अड़तालीस लड़के उसी काम को दो दिनों में खत्म दिनों में कर सकते हैं तो पंद्रह पुरुष और उसी काम को कितने दिनों में करेंगे देखिए इफ सिक्स मैन एंड एट बॉयज कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन टेन डेज एंड ट्वेंटी सिक्स मैन एंड फोर्टी एट द सेम इन टू डेज द टाइम टेकन बाई फिफ्टीन मैन एंड ट्वेंटी बॉयज टू डू द सेम टाइप ऑफ वर्क विल बी क्या कह रहा है छह पुरुष और आठ लड़के एक काम को दस दिनों में कर सकते हैं देखिए और का मतलब होता है बच्चों प्लस और का मतलब होता है प्लस तो क्या कह रहा है छह पुरुष यहां देखिए छह पुरुष छह मैन प्लस आठ लड़के आठ बुआए एक काम को कितने दिनों में कर सकते हैं बच्चों दस दिनों में कर सकते हैं 10 दिनों में कर सकते हैं वो कह और इसी काम को उसी काम को यानी इसी वाले काम को 26 पुरुष बराबर यानी कि यही काम जब गुणा भाग करोगे मैन और बॉय के दिनों के साथ टोटल काम बनता है बच्चों काम बनता है तो इसी काम को कह रहा 26 छब्बीस पुरुष छब्बीस पुरुष प्लस छब्बीस पुरुष अड़तालीस लड़के अड़तालीस लड़के, लड़के कितने दिनों में करते हैं बच्चों अड़तालीस लड़के कितने दिनों दो दो दिनों में करते हैं क्लियर है बच्चों ये है तो बच्चों अब हमारे पास है तो पंद्रह पुरुष बीस लड़के उसी काम कितने दिन में करेंगे जब बाद में आपसे क्वेश्चन जो वो करता है जो पूछने की कोशिश करता है उसे अभी, छोड़ के चलो। अभी मैं यहाँ लिख तो देता लेकिन यहाँ पर क्या है अभी आ, आपका सवाल कट जाएगा तो अभी मैं इसको ही रख रहा हूं यहाँ पर देखिए आप तो वो कह रहा है एक बार और समझो छह पुरुष आठ लड़के दस दिन में कर रहे थे इसी काम को छब्बीस मैन अड़ताल लड़के दो दिन में कर रहे इसे सोल्व कर लो बच्चो चलिए सोल्व करिए तो दो पंजे दस है बच्चों तो पांच तीस मैन आठ चालीस बुआए बराबर छब्बीस अड़तालीस करो आदमी एक, एक साइड में ले लो और लड़के एक साइड में ले लो ठीक है चलिए जब छब्बीस मैन तीस मैन की साइड में आएंगे घटेगा तो कितना बच जाएगा चार मैन और इधर चला जाएगा तो आठ बुआए तो चार 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 दुनिया आठ यहां से आ गया एक मैन बराबर टू बॉय के क्लियर है बच्चों हमारा एक मैन टू बस बच्चों एक बात ध्यान रखनी है शुरू में आप दो इक्वेशन बना के चले थे एक इक्वेशन एक इक्वेशन। इक्वेशन से तो आपको एक, एक चलनी है चाहे आप इसको उठा लो चाहे इसको उठा लो और जो बाद में क्वेश्चन पूछता है पंद्रह पुष्ट बीस लड़े से काम कितने दिनों में करेंगे एक उसे उठा के चलेंगे तो क्लियर है बताइए इन दोनों में से किसको उठा के चलू इसको उठा के चलू इसको चलो मैं इसको उठा लेता हूं इसको पहले वाले को क्या कह रहा है वो सिक्स मैन और एक मैन कितने बोए के बराबर है बच्चों एक मैन दो के बराबर बोए में चेंज करके चल रहा हूं मैं बोए में चेंज करके चल रहा हूं छे मैन और एक मैन दो के बराबर तो बारह बोए हो गए और आठ बोए बच्चों हमारे पास पहले से ही है आठ बॉय हमारे पास पहले से ही हैं और ये कितने दिन काम कर रहे हैं दस काम दस दिन में सॉरी दस दिन में कर रहे थे और बच्चों जो लास्ट वाली इक्वेशन थी हमारी वो क्या थी वो थी पंद्रह मैन व बीस लड़के बीस बॉय बीस बॉय उसे कितने दिन में करेंगे वो ये पूछ रहा था तो देखो जब एक मैन दो लड़कों के बराबर यहां है, है पंद्रह और दो ये हो गए और बीस पहले से ही है तो पंद्रह दूनी तीस और प्लस बीस तो ये हो गया पचास पचास लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे ये ये हो गया इक्वेशन नंबर और पहली है हमारे पास रही तो इन दोनों को को इन दोनों क्या कर दो बच्चों इन दोनों को इक्वल कर को दो चलो मैंने यही कर दिया बच्चों यानी कि ये हमारा सोल करके आ चुका है क्या पंद्रह मैन बीस लड़के कितने दिन में करेंगे तो पंद्रह दुनी तीस और बीस लड़के पहले से ही हैं तो पचास लड़के उस काम कितने दिन में करेंगे चलिए तो छह दुनी बारह बारह आठ कितने हो गए बीस बीस गुना दस बराबर पचास गुना डी तो बच्चों जीरो से जीरो 5 पांच बीस तो डी बराबर चार दिन आंसर बताइए चार दिन में क्लियर है एक बार और समझ लो एक बार और समझ लो बच्चों क्या छह मैन आठ लड़के किसी काम को दस दिन में कर रहे थे फिर वो उसी कार्य रहे इसी काम को छब्बीस आदमी अर्थात लड़के दो दिन में करते हैं इन दोनों को पहले सोल्व कर लो जब हम इन्हें सोल्व करेंगे तो हमारा सोल्व करके आया कि एक मैन दो लड़कों के बराबर है आदमी एक साइड में चले जाएंगे लड़के एक साइड में चले जाएंगे सोल करके आया, एक दो इक्वेशन हम शुरू में एक उसको लेके चलते हैं हमेशा हमेशा की बात है बच्चों तो इन दोनों में से एक ले लो कोई शुरू वाली ले ली एक आदमी दो लड़कों के बराबर मैं लड़कों में चेंज करके चल रहा हूं तो जब एक आदमी दो लड़कों के बराबर है तो छह आदमी तो बारह लड़कों के बराबर हो जाएंगे और आठ लड़के पहले से लगे हुए हैं तो बारह आठ कितने हो गए बीस और बीस लड़के किस काम को करते हैं दस दिन में ये हो गया अब जो बाद वाली थी हमारे पास इक्वेशन पंद्रह पुरुष बीस लड़के पंद्रह पुरुष बीस लड़के इसे चेंज कर लो एक लड़के एक आदमी दो के बराबर है तो पंद्रह और बीस लड़के पहले से यानी पचास लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे मैंने कहा दिन में करेंगे डी दिन में दोनों को इक्वल रख दिया जो इधर से एक इक्वेशन आई थी उसको और इधर से जो लास्ट वाली हमने बनाई है उसको दोनों को रख के डी का मान आ गया चार दिन आगे भी सवाल आएगा आप चिंता मत करो अभी और समझ में आ जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके अच्छे से समझ में आएगा थोड़ा छोटा लिखूंगा ताकि आपके समझ में आ जाए देखिए चलिए चलिए बच्चों वो कह रहा है दो पुरुष तथा तीन स्त्री किसी काम को दस दिनों में कर सकती है दो पुरुष देखिए दो पुरुष टू मैन और थ्री वुमेन किसी काम को कितने दिन में कर सकती है दस दिन में कर सकती है जबकि तीन पुरुष तीन पुरुष और टू वुमेन टू वुमेन कितने दिन में आठ दिन में ये है बच्चों सवाल आपका है और बाद में आपसे पूछा टू पुरुष और एक स्त्री उस काम को कितने दिन, दिन में करेगी टू पुरुष और एक वुमेन उस काम को कितने दिन में करेगी ये? तो बच्चों इसे तो हम लेके चलेंगे ही चलेंगे ये तो बात पक्की इसे तो हमें लेके चलनी चलनी है लेकिन इन दोनों में से एक लेके चलेंगे पहले सोल करो कैसे देखिए दो पंजे दस दो चौकाट तो पांच की गुना अंदर कर दो पांच दूनी दस दस मैन पंद्रह मैन, बराबर बारह मैन और चार आठ वो मैन एक साइड में ले जाओ मैन एक साइड में जब मैन को इधर ले जाके घटाओगे और वो मैन को इधर घटाओगे तो हमारा बच जाएगा टू मैन और इधर जब आ जाएगा तो कितना बच जाएगा इधर हमारा बच जाएगा बच्चों सेवन सेवन वूमैन सेवन सेवन बच्चों मुझे कहीं लग रहा है कि कहीं कुछ मिस्टेक जरूर हुई है एक बार मैं चेक कर लूं टू मैन थ्री वो मैन थ्री वुमेन दस दिनों में चलो ठीक है फिर कह रहा थ्री मैन और टू वुमेन थ्री मैन टू वुमेन एट डेज में चलिए तो दो पंजे दस बारह पूरा नहीं कटेगा चलिए चलिए बच्चों तो हमारा कितना हो गया बच्चों चलिए तो एक मैन बराबर हमारा हो गया सात बटे दो वो मैन के सही है बच्चों चलिए हमारा ये हो गया कि हमारा एक मैन सात वो के बराबर हो गया। तो एक के चलो। दो से दो गुणा भाग में थोड़ी दिक्कत आएगी कैलकुलेशन में तो आप इसे लेके चलो क्या टू मैन है और एक मैन हमारा सात बटे टू वुमैन के बराबर है तो ये वुमैन में चेंज होगा गया तीन पहले से ही है, है। और वो उस काम कितने दिन में करें दस दिन में तो दो से दो कट गया सात और तीन दस दस वुमैन किसी काम करते हैं दस दिन में यहां तो बन गया अब इसे चेंज करो टू गुना एक मैन कितने के बराबर टू के और एक वोमैन पहले से ही है तो एक दो से दो कट गया तो आठ वोमैन किसी काम करते हैं दिन में इसकी इक्वल रख दो बच्चों कि आठ गुना डी तो दो चौका दस ठीक है और दो दुनी चार और दो पंजे दस तो डी बराबर आपका हो गया पच्चीस बटे दो पच्चीस दो, दो।, दो बटे दो का मतलब हुआ साढ़े बारह इतने दिन बताइए बच्चों कितने दिन क्लियर है साढ़े बारह दिन समझ में आया है बहुत अच्छे सवाल है बच्चों क्या पहले वाले की तरह ये दो इक्वेशन लेके चले लास्ट में आपसे ये पूछा हुआ ये तो हम लेके चलेंगे चलेंगे इसे हमने कर लिया। इसका आया। हमारा करने के इन उठा के चलाऊ मैंने बताया कि इन दोनों में से आप एक इक्वेशन तो लेके चलोगे और एक बाद वाली लेके चलोगे तो हमारा आ गया एक मैन सात बटे दो वुमैन के तो टू मैन प्लस थ्री वुमेन तो दो गुना सात बटे टू और वुमेन पहले से ही हैं और दस दिन में वो काम करते दस वुमेन दस दिन में काम करती हैं इधर से है साढ़े बारह दिन क्लियर है बच्चों समझ में आया चलिए एक सवाल और कर लेते हैं ठीक है वो कह रहा है तीन पुरुष तो चार लड़े किसी काम को बारह दिनों में कर सकते हैं बच्चों वो कह रहा है तीन पुरुष चार लड़के किसी काम को बारह दिनों में कर सकते हैं और चार पुरुष तीन लड़के उसी काम को दस दिनों में कर सकते हैं दो पुरुष तीन लड़के कितने दिनों में काम समाप्त कर सकते हैं थ्री मैन एंड फोर बॉयज कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन ट्वेल्व डेज फोर मैन एंड थ्री बॉयज कैन डू द सेम वर्क इन टेन डेज देन टू मैन एंड थ्री बॉयज कैन फिनिश द वर्क इन देखिए थ्री पुरुष तीन मैन प्लस फोर बॉय किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं बच्चों 12 डेज में कितने में ट्वेल्व में कर सकते हैं क्लियर फिर आगे देखिए क्या कह रहा है चार पुरुष तीन बॉय उस काम को दस दिनों में कर सकते हैं यह तो है हमारी दो इक्वेशन बन गई और बाद में आपसे पूछा टू पुरुष तीन बॉय उसे कितने दिनों में करेंगे हमने कहा डी दिन में ये तो हमें सोल्व करना ही करना है पहले इन दोनों को ले लो चलिए तो दो छिक बारह Sorry, दो बारह छिया चौबीस बुआए बराबर बीस मैन प्लस पंद्रह मैन एक साइड में ले लो और बोए एक साइड में जब मैन को लाके घटाओगे तो टू मैन और जब इधर लाओगे तो कितना बच जाएगा नो बॉय ठीक है, तो, नो है। हाँ, तो एक मैन नो बो के ले है बच्चों एक मैन नौ बटे दो बुआ के बराबर हो गया देखो नीचे की साइड में आपका टू है अगर आप इसे लेके चलो तो दो, दो तीन पाएगा आप इसे ले लो ताकि कैलकुलेशन आसान पड़ जाए ये वाली ले रहा हूं बच्चों वाली इक्वेशन ले रहा हूं मैं मैन और एक मैन नौ बटे दो के बराबर है और पहले से हमारे पास तीन बॉय हैं तो दो दुनी चार नौ दुनिया अठारह तीन कितने हो गए इक्कीस इक्कीस बॉय इक्कीस बॉय किसी काम को करते हैं दस दिन में दस दिन में तो एक इक्वेशन बन गई दूसरी यहां ले लो दो और एक मैन कितने नौ बटे दो के बराबर है और तीन बॉय पहले है, दो से दो बटे नौ तीन कितने हो गए बारह तो बारह गुना डी बच्चो इसके इक्वर रख दो तो बारह गुना डी क्लियर है बच्चो तो कितना आ जाएगा हमारा तीन से ले लो तीन से इक्कीस तीन सौ बारह दो तीन चार दो पंजे दस तो पैंतीस पैंतीस बटे दो बराबर डी तो पैंतीस बटे डी तो इसे भी सोल्व कर लो डी बराबर बटे टू का मतलब हो गया बच्चों तो दो दो, दो सत्ते एक बटे दो इतने दिन क्लियर है बच्चों डेज तो सेम सवाल थे तीनों मैंने आपको बताया दो सुर शुल्क जो इक्वेशन है उन दोनों को लेके चलेंगे बाद में जो पूछा है उसे अभी छोड़ के चलो वो तो चेंज होनी ही होनी है बाद वाली इन दोनों में से कोई एक चेंज कर लो उसे चेंज करके चलो जो हमें लगता है कि आसानी से कट जाएगा हमने सोल्व किया एक मैं नौ बटे दो बोए के बराबर है अब जब तीन गुना नौ बटे दो रखोगे तो यहाँ कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी इसलिए मैं इसे लेके चलाऊ ताकि चार गुना नौ बटे दो।, दो से चार आसानी से कट जाएगा देखो ये कट गया तो हमने चेंज चेंज कर कर लिया लिया में में किसी काम को दस दिन में करते हैं ऐसे इसे चेंज कर लिया लास्ट वाली को यहाँ आया हमारा बारह बच्चे डी दिन में डी दिन में करेंगे तो सोल्व करके बच्चों आ गया साढ़े सत्रह दिन ये होते हैं चेंज करने वाले और इनमें कुछ नहीं है बच्चों थोड़ा सा बस कैलकुलेशन है थोड़ी सी वरना इतने हार्ड सवान है बिल्कुल आसान है अभी यहां से हम इसी लेक्चर को आज यहीं पर रोकते हैं यहीं से शुरू करेंगे यहीं से शुरू करेंगे। अभी इसी टाइप के जो और जो हमारे मैन है चेंज करने वाले सवाल अभी और भी है या वाले और वाले यहाँ तो आज मैंने जो आपको सवाल कराए है ये कराए तथा वाले जोड़ के चलते हैं एक है या वाले अगर या हो तो या वाले सवाल जो और वाले सवाल है वो मैं अगले लेक्चर में लेके चलूंगा बच्चों ताकि उसमें मैं अलग से एक नई ट्रिक बताऊंगा या वालों की एक अलग से एक ट्रिक है इनकी कोई ट्रिक नहीं है तो सोल ही करना पड़ता है है अगर आप सवाल को देख कर ही कर सकते हो चलो इसकी भी एक ट्रिक मैं आपको बता दूंगा ट्रिक तो कुछ नहीं है बस ये लंबा ना लिख के थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख सकते हैं इतना कर सकते हैं कैलकुलेशन जो की तो करनी पड़ेगी वो भी मैं आपको एक बार बता दूंगा ठीक है थोड़ा छोटा कर दूंगा सवाल को ताकि ये आपको इसका सवाल का फैलाव ऐसा लग रहा है काफी लंबा सा सवाल लग रहा है लेकिन कैलकुलेशन तो उसमें भी करनी पड़ेगी और यहां पर भी करनी पड़ेगी तो मैं थोड़ा सवाल को अगले ट्रेंड पर यानी कि अगले लेक्चर पर आपको थोड़ा छोटा करके बता दूंगा ठीक है तो बच्चों आज हम अपनी क्लास को यहीं रोकते हैं क्लास अच्छी लगी होगी तो कमेंट करना और आगे नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से स्टार्ट करेंगे बस आज के लिए इतना ही धन्यवाद